दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त प्रदीप मलिक आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ विद प्रदीप में आपका स्वागत करता हूं। जैसे दोस्तों आपको पता है, मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड नए नए वीडियो लाता रहता हूं। तो आज का टॉपिक मैं लाया हूं फैटी लीवर। ये आम जो हमारे भाई बहन है, ये समस्या, ये बीमारी आम हो गई है। फैटी लीवर, फैटी लीवर दो प्रकार का होता है, एक अल्कोहलिक फैटी लीवर, दूसरा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अल्कोहलिक फैटी लीवर उन भाइयों में पाया जाता है जो अल्कोहल का सेवन करते हैं। दूसरा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, जो हमारे भाई बहन ज़्यादातर तली हुई चीज़ें खाते हैं, मोमोज, बर्गर और इस टाइप की मैदे वाली चीज़ खाने से हमारा जो टॉक्सिन है वो लीवर के अंदर जमा होने लगता है। लीवर जो अपने वजन से भारी हो जाता है उसे फैटी लीवर कहते हैं, और जब लीवर के अंदर टॉक्सिन जमा हो जाते हैं तो लीवर प्रॉपर तरह से वर्क नहीं करता है। तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं कुछ छोटे छोटे आपको टिप्स कुछ नुस्खे बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। सुबह सुबह उठकर एक गिलास पानी गुनगुना कर लें और उसके अंदर एक चम्मच शहद को अच्छी तरह मिला लें, और इस गुनगुने जो पानी है, जो शहद मिला हुआ पानी है, उसे सिप सिप करके बैठकर धीरे धीरे पिए। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे लीवर के अंदर जो टॉक्सिन है या हमारी बॉडी के अंदर जो फैट जमा होता है वो रिस्टोर होने लगता है, वो निकलने लगता है। इससे फैटी लीवर की प्रॉब्लम में बहुत ही फायदा मिलता है। दूसरा, पपीते का सेवन। हम अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा पपीते का सेवन करें। मैं तो ये कहूँगा कि 3 से 4 दिन तक हम पके हुए पपीते को ले आएं और उसकी सलाद का बना लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर उसमें हल्का अपने आवश्यकता अनुसार उसमें नमक मिला लें, और इस सलाद को 3 से 4 दिन खाना बिल्कुल भी ना लें। और इस सलाद को 3 से 4 दिन तक अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है वो निकलने लगते हैं, क्योंकि पपीते के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो टॉक्सिन को निकालते हैं, हमारे फैट्स को कम करते हैं। तीसरा जो टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, फैटी लीवर वालों के लिए स्पेशल, शाम के वक्त में सोते समय खाना बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। हो सके तो लिक्विड लें या जूस लें, खाना दिन छिपने से पहले ही ले लें, और शाम के लंबर में नियमित रूप से कुछ सोने से पहले टहलना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे फैटी लीवर की प्रॉब्लम से बहुत ही फायदा मिलता है। दोस्तों सुबह सुबह योग करने से, नियमित योग व्यायाम करने से भी हमारे जो बॉडी के जो टॉक्सिन हैं वो बाहर निकलते हैं, गंदगी कहो तो बाहर निकलती है। तो हमें नियमित रूप से पसीने के रूप में ऐसे मेहनत करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए जिससे हमारा पसीना निकलता है, तो उससे भी हमारा फैट रिड्यूस होता है, फैट कम होता है और हमारे जो फैटी लीवर है उसमें फायदा मिलता है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को कॉमनली अपने लाइफ स्टाइल में अपनाते हैं तो हमें फैटी लीवर से 100% फायदा मिलता है। और हम खाना हमेशा हल्का लें। डाइट में अगर 4 हमारी चपाती की भूख है तो उसमें हम केवल 3 ही चपाती खानी है। खाने को जिससे लीवर पर थोड़ा दबाव, लीवर को एनर्जी करने में मेहनत करनी कम पड़े पचाने के लिए उस खाने को, तो हम अपनी डाइट हल्की कर लें, ऐसा खाना लें जिससे लीवर को पचाने में कोई ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े। तो अगर हम इस टाइप से अपने लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं तो फैटी लीवर की समस्या से 100% फायदा मिलता है। हम हरी पत्तेदार सब्जियां, दालों में हम अपना जो खाना है, चाहे रोटी कहें, तो उसे अच्छी तरह छोटे छोटे टुकड़े डालकर
उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद उसे धीरे धीरे चबा चबा कर खाएं। इससे क्या होता है, हमें जो है हमारे लीवर को खाना पचाने में एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा कहें तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इससे हमारे लीवर का जो बर्म है, स्वालिंग है, वो उतरता है और फैटी लीवर की समस्या से हमें राहत मिलती है। अगर हम इन सारे कुछ छोटी छोटी टिप्स को अपनाते हैं तो 100% आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल हेल्थ विद प्रदीप यूट्यूब चैनल इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।